मैटर वेव क्या होता है? मैटर वेव का मतलब होता है एक ऐसा वेव, एक ऐसा तरंग जो मैटर से एसोसिएटेड हो। मैटर मतलब क्या है, जैसे कि मैं जिस फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो एक मैटर है, ये माइक एक मैटर है, पदार्थ, पदार्थ से जुड़ा हुआ, पदार्थ से संबंधित जो वेव है, जो तरंग है, पदार्थ की वजह से जो वेव बन रहा है उसे मैटर वेव बोलते हैं। अगर इसमें देखें तो इसमें लिखा है that matter waves are a central part of the theory of quantum mechanics. मतलब कि matter wave जो है वो quantum mechanics, quantum physics का एक हिस्सा है, उसका center है, उसका केंद्र है. It is the central part of the quantum mechanics, of the quantum mechanical theory. Matter waves जो है वो एक example है wave particle duality का. मतलब matter wave एक ऐसा wave है जो कहीं ना कहीं wave behavior तो show करेगा ही, कहीं और साथ में particle nature को भी show करेगा. जिस मैटर से मैटर वेव निकलेगी वो कहीं ना कहीं वेव की तरह तो बिहेव करेगा ही, साथ ही साथ पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा. सो इट बीइंग एन एग्जांपल ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी. ऑल मैटर एग्जिबिट्स वेव लाइक बिहेवियर. जितने भी मैटर होते हैं, कोई फुटबॉल हो गया, कोई कार हो गया, ये सब कहीं ना कहीं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को एग्जिबिट करते हैं. आप देख रहे हो ये माइक है, ये माइक भले ही लग रहा है कि ये पार्टिकल है, ये सॉलिड है, लेकिन इसका इसके पास वेव नेचर भी है, है ना, इसके पास वेव नेचर भी है और ये पार्टिकल तो दिख रहा है. तो सारे जो मैटर हैं हमारे चारों तरफ, ऑल अराउंड अस, वो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को एग्जिबिट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफ्रैक्टेड जस्ट लाइक अ बीम ऑफ लाइट और वाटर वेव. इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है वो डिफ्रैक्शन शो करती है, उसके पास डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है. अब डिफ्रैक्शन कहीं ना कहीं वेव से जुड़ा हुआ कुछ है, डिफ्रैक्शन वेव से रिलेटेड फेनोमेना, डिफ्रैक्शन वेव की प्रॉपर्टी है. लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, वो क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी दोनों है. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ वेव पार्टिकल बिहेवियर, दैट्स योर मैटर वेव और इलेक्ट्रॉन वेव.